वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में मैं आपसे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एड है यूट्यूब की, उसके बारे में बात करूंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सी एड है। तो जैसे मैं प्लस करके न्यू कैंपेन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल। यहाँ पे मैं लेता हूँ वीडियो, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एड सीक्वेंस, राइट, एड सीक्वेंस। अब देखो ये एड सीक्वेंस बड़ी ही जबरदस्त चीज है। आप देखो पहले एक बार समझो कि एड सीक्वेंस कैसे काम करती है, देन हम आगे देखेंगे। अब एड सीक्वेंस क्या होता है कि सपोज करो आप यहां पे एक ऑडियंस है, राइट, ये आपकी ऑडियंस है और इस ऑडियंस को आप क्या कर रहे हो, इस ऑडियंस को आप एड दिखा रहे हो। अब आप क्या चाहते हो कि आपने एक वीडियो बनाई से, इसको मैं बोलता हूं वीडियो नंबर वन। अब आप चाहते हो कि ये वाली ऑडियंस सबसे पहले ये वीडियो देखे, देन जब ये वीडियो देख ले तब वो कौन सी वीडियो देखे, तब वो देखे वीडियो नंबर टू। जब वो वीडियो नंबर टू देख ले तो वो वीडियो नंबर थ्री देखे, जब वो ये देख ले तो वो वीडियो नंबर फोर देखे, जब वो ये देख ले तो वो वीडियो नंबर फाइव देखे, जब वो ये देख ले तब वो देखे वीडियो नंबर सिक्स। तो ये क्या कर रहे हो आप, सीक्वेंस सेट कर रहे हो कि नंबर वन ये रहेगा, नंबर टू ये रहेगा, नंबर थ्री ये रहेगा, नंबर फोर ये रहेगा, नंबर फाइव ये रहेगा एंड दिस वुड बी नंबर सिक्स। आपने एक सीक्वेंस सेट की, राइट। अब सीक्वेंसिंग सेट करने से होता क्या है कि आप अपना मार्केटिंग मैसेज बड़े ही ऑप्टिमाइज्ड तरीके से डिलीवर कर सकते हो। मतलब आप अपना मार्केटिंग मैसेज ऐसे डिलीवर कर सकते हो कि आप क्या चाहते हो कि सबसे पहले ऑडियंस को आप ये बताओ, देन आप ऑडियंस को ये चीज बताओ जो इससे मे बी लिंक दो, देन आप ऑडियंस को नई चीज बताओ जो कि इससे लिंक दो, है ना। तो बड़े सीक्वेंस तरीके में आप अपना मार्केटिंग मैसेज अपने ऑडियंस तक डिलीवर कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एड टाइप है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। अब इसको कैसे यूज करना है तो आप अभी देख सकते हो। जस्ट मैंने किया था क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, देन वीडियो, देन यहां पे मुझे लेना है एड सीक्वेंस। क्या लोगे, एड सीक्वेंस और देन करोगे कंटिन्यू, राइट। क्या लिया, एड सीक्वेंस, देन किया कंटिन्यू और यहां पे आपसे कैंपेन का नाम पूछ रहा है तो से कैंपेन का नाम लिख देता हूं एड सीक्वेंस। अब बिडिंग स्ट्रेटेजी देखो क्या है इसमें। एड सीक्वेंस में अगेन दो टाइप के बिड आप लगा सकते हो, पहला टारगेट सीपीएम और दूसरा है मैक्सिमम सीपीवी। मैक्सिमम सीपीवी आपको पता ही है क्या होता है कि आप एक व्यू के कितने पैसे देना चाहते हो, दैट इज मैक्सिमम सीपीवी। दूसरा क्या है, टारगेट सीपीएम, कि आप 1000 इंप्रेशन के लिए कितने पैसे देना चाहते हो, ठीक है, आप 1000 इंप्रेशन के लिए कितने पैसे देना चाहते हो, दैट इज टारगेट सीपीएम, राइट। हम यहां पे क्या लेते हैं, टारगेट सीपीएम, देन डेली या कैंपेन टोटल कितना आप पैसे खर्च करना चाहते हो, हम लगा देते हैं डेली। से मैं डेली 1000 रुपए खर्च करना चाहता हूं। नेटवर्क आपका यूट्यूब वीडियोज है, बाय डिफॉल्ट हमें यूट्यूब वीडियोज ही रखना है। लैंग्वेज और लैंग्वेज, कंट्री इंडिया। डेमोग्राफिक्स आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी चीजें सेम है जैसे हम पहले करते आए हैं। ऑडियंस आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, इन्वेंट्री एक्सक्लूडेड, जो भी आप देखते आए हो सब वैसे ही ले सकते हो। देन ऑप्टिमाइजेशन आप अब तक देखते आए हो, कितनी बार हम देख चुके हैं कि ऑप्टिमाइजेशन इवेंट आप ले सकते हो। देन डिवाइसेस हम कितनी बार देख चुके हैं कि सेम चीज, से मैं टीवी स्क्रीन पे नहीं दिखाना चाहता तो मैंने टीवी स्क्रीन वहां से हटा दिया। देन फ्रीक्वेंसी मैं सेट कर सकता हूं। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या है, जो आपकी एड है या जो आपका एक सीक्वेंस है वो पर 30 डेज आपके यूजर को एक बार दिखेगा, राइट। आपका हर सीक्वेंस आपके यूजर को हर 30 डेज में एक बार दिखेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी कैपिंग, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। एड शेड्यूल, आप शेड्यूल मंडे ट्यूसडे वो सेट कर सकते हो। अब देखो असली मजा यहां पे है, बाकी अब तक जो आपने देखा था वो तो नॉर्मल सारी एड्स जैसा है, जो आप अभी तक यूट्यूब की एड्स देखते आए हो आपने उन सारी एड्स में जो देखा है सब सेम है, फर्क है बस यहां क्रिएट योर वीडियो एड सीक्वेंस स्टेप। अब देखो आ रहा है न्यू स्टेप, तो ये रहा मेरा न्यू स्टेप, ठीक है, यहां से करते हैं ओके, गॉट इट। अब ये देखो एड ग्रुप का नेम पूछ रहा है ना, तो नाम लिख देते हैं सीक्वेंस वन,
देन आपको यहाँ पे डालनी है अपनी YouTube वीडियो। तो ये रही मेरी YouTube वीडियो, तो ये रही मेरी वीडियो वन। से मैं चाहता हूँ सबसे पहले यूजर को दिखे वीडियो वन, तो ये मैंने किया कॉपी, यहां से लिंक लिया, यहाँ पे पेस्ट किया, वीडियो वन आ गई। अब ये वीडियो कैसे दिखानी है, स्किपेबल इन स्ट्रीम या नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम, तो हम ले लेते हैं स्किपेबल इन स्ट्रीम, 5 सेकंड बाद लोग स्किप कर सकते हैं। देन हमें लेना है URL, ठीक है, कहां पे हम ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, तो वो मैंने यहां पे ले लिया URL अपना, लैंडिंग पेज का लिंक है बेसिकली, और HTTPS इसको ले लेते हैं, कॉल टू एक्शन है ना, तो कॉल टू एक्शन यहां पे हमें क्या डालना है, शॉप नाउ डाल देते हैं, शॉप नाउ, और हेडलाइन डाल देते हैं से बेस्ट शर्ट्स, ठीक है, और URL ऑप्शन आपको पता ही है, और एड का नाम हमने रख दिया सीक्वेंस वन, बिडिंग कितने बिड देना चाहते हो आप, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कितनी बिडिंग करना चाहते हो, 1000 इंप्रेशंस के लिए कितने पैसे देना चाहते हो, तो सेम मैंने कर दिया ₹200, राइट, बिड सेट कर दी मैंने। आप हमेशा बिडिंग देखो, दो तरीके हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, या तो कम से स्टार्ट करो और धीरे धीरे बढ़ाओ, या ज्यादा से स्टार्ट करो और धीरे धीरे कम करो। अगर आप कम से स्टार्ट करोगे तो फिर आप देखोगे क्या एड की इंप्रेशन आ रहा है, डिलीवरी आ रही है, अगर एड का इंप्रेशन नहीं आ रहा, डिलीवरी नहीं आ रही, देन CPM को धीरे धीरे इंक्रीज करो। अगर आप ज्यादा से स्टार्ट कर रहे हो फिर देखो कि क्या इंप्रेशन आ रहा है, डिलीवरी आ रही है, अगर आ रही है देन धीरे धीरे डिक्रीज करो, बहुत ही आसान है। और इसे मैं कर देता हूं एड टू सीक्वेंस। अब देखो ये तो था स्टेप नंबर वन, अब देखो मेरे से पूछ रहा है स्टेप नंबर टू, ये स्टेप वन देन स्टेप टू, तो अब आ गए हम न्यू स्टेप। अब देखो ये पूछ रहा है कि अगला स्टेप कब दिखे, अभी देखो क्या रख कर रखा है, स्टेप वन सीक्वेंस वन, स्टेप वन, स्टेप वन के बाद आएगा स्टेप टू, तो ये पूछ रहा है स्टेप टू कब दिखे। पहला एक ऑप्शन क्या है, इंप्रेशन, मतलब अगर मेरी पहला जो वीडियो है स्टेप नंबर वन है वो एड एक बार किसी को दिख जाए बस, उसके बाद ये मेरी एड आए स्टेप नंबर टू। या दूसरा है व्यू, कि अगर कोई मेरा पहला स्टेप जो है, पहली वीडियो जो है वो मेरी कोई देखे उसके बाद आए मेरा स्टेप नंबर टू। या लास्ट ऑप्शन क्या है, स्किप, कि अगर मेरा स्टेप नंबर वन किसी ने स्किप कर दिया तो फिर उसको क्या दिखे, वीडियो नंबर टू, राइट। तो क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं, कैंसिल करो, देखो जैसे स्टेप नंबर वन है तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। पहला, अगर ये वीडियो किसी को दिखे, इंप्रेशन आए जस्ट, तो मेरा स्टेप नंबर टू आए। दूसरा, अगर कोई ये वीडियो मेरी व्यू करे तब मेरा स्टेप नंबर टू आए। या तीसरा, अगर ये वीडियो कोई स्किप करे तब मेरा स्टेप नंबर टू आए, ठीक है। व्यू क्या मानता है YouTube, YouTube में व्यू का मतलब होता है अगर आपकी वीडियो 30 सेकंड्स से ज्यादा है, अगर आपकी वीडियो 30 सेकंड से ज्यादा है तो लोग आपकी वीडियो को देखें एटलीस्ट 30 सेकंड्स, या फिर आपके वीडियो के साथ करें कोई एंगेजमेंट, तब YouTube इसे क्या मानता है, व्यू। या फिर अगर आपकी वीडियो है 30 सेकंड से कम है तो या तो वो पूरी वीडियो देखें या आपकी एड के साथ करें एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है कमेंट करना, लाइक करना, क्लिक करना, तो उसे वो व्यू मानता है, राइट, बहुत ही सिंपल। अब मैं आता हूं स्टेप टू पे, मैं चाहता हूं कि स्टेप टू तब दिखे भैया जब लोग पहली व्यू स्टेप मेरा व्यू करे, ठीक है, व्यू आ गया, इसको मैं लिख देता हूं सीक्वेंस टू, और यहां पे मेरे को डालनी है अपनी यूट्यूब वीडियो, ये रही मेरी यूट्यूब वीडियो, इसे कर दो शेयरेबल लिंक, यहां कर दो पेस्ट, बाकी ये सब चीजें चेंज करना चाहते तो कर सकते हो। बिडिंग मैं अगेन 200 डाल देता हूं और Add to sequence. अब देखो सीक्वेंस क्या बन गया, इसको जैसे ही कोई व्यू करे तो ये वीडियो आ जाए। अब देखो एक ऑप्शन क्या दे रहा है, स्किप, कि अगर कोई इसको स्किप कर दे तो उसको क्या वीडियो दिखाना चाहते हो, तो वो मैं यहां से सेट कर सकता हूं। तो से मैं चाहता हूं जैसे ही कोई ये वीडियो स्किप कर दे तो उसको मेरी दिख जाए ये वाली वीडियो, ठीक है, देख रहे हो कितना पावरफुल है। सीक्वेंस थ्री, ये रही मेरी वीडियो, बाकी चीजें सेम रखेंगे, तो कर देता हूं 200, परफेक्ट, ठीक है। ये रही मेरी पहली वीडियो, इसे जैसे ही कोई देख ले तो दूसरी वीडियो आ जाए, अगर पहली को कोई स्किप कर दे तो क्या होगा भैया, तब उसको ये वीडियो आ जाएगी, राइट। अब अगर कोई ये वीडियो देख ले तो अब मेरी आ सकती है नया स्टेप, स्टेप नंबर थ्री, तो न्यू स्टेप किया, व्यू के बाद आ रहा है, राइट। अब इसे कर दिया मैंने सीक्वेंस फोर, और यहां पर डाल दी मैंने अपनी वीडियो, बाकी सारी चीजें सेम, 200 एड टू सीक्वेंस,
राइट। अब ऐसे आप चाहो तो जितने सीक्वेंसेस हैं क्रिएट कर सकते हो। अब क्या हो, जब इसको कोई देख ले फिर क्या हो, तो यहां पे नया स्टेप, इसको कोई देख ले तो क्या हो, नया स्टेप। तो आप ऐसे ही मल्टीपल स्टेप्स ऐड कर सकते हो और बहुत बढ़िया से अपना मार्केटिंग मैसेज लोगों को डिलीवर कर सकते हो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, राइट। और जब आप सारे अपने स्टेप्स डाल दो, देन आपको क्या करना है, सिंपल क्रिएट कैंपेन। देखो यहां पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, स्टेप हैज अ प्रॉब्लम टू फिक्स। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, इसको एडिट करो, यहां से पता चल जाएगी प्रॉब्लम। फाइनल यूआरएल इज इनवैलिड, यूआरएल ये देखो गलत है ना, तो इसे कॉपी करो और इसे डन कर दो। और देखो यहाँ पे कॉमा आ गया है ना यूआरएल में, इसीलिए इसे भी डन कर दो और इसे भी डन कर दो। और यहां आओ, इसे भी डन कर दो, ठीक है। यूआरएल चेंज किया, अब करो क्रिएट कैंपेन।